नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ राहु और केतु का राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल को लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, राहु और केतु दोनों ग्रह अपने राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मेष वृषभ राशि के जातकों के लिए हमने उसका शुभाशुभ फल बताया, क्या लाभ क्या हानि हो सकती है आपको। सर्वप्रथम तो आप यह जान ले कि जो भी राशि परिवर्तन होता है वह किसी भी प्रकार का राशि फल हम आपको बताते हैं तो आपको कतई डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए भेजते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों में मजबूती मिले, आप डरे नहीं, सतर्क सावधान रहें। तो आज मिथुन राशि की बात करते हैं, बात करेंगे राहु और केतु का राशि परिवर्तन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष 7 मार्च को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन की। राहु मिथुन राशि में आए जबकि केतु धनु राशि से आए। राहु और केतु दोनों ग्रह सदैव वक्र स्थिति में चलते हैं, अर्थात इनकी जो गति है वह वक्र गति होती है। वक्र का मतलब होता है उल्टी दिशा की ओर। संभावतः यदि मिथुन राशि में राहु थे और उदाहरण के लिए समझें धनु राशि में केतु थे तो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाना चाहिए था राहु को, जबकि मकर राशि में आना चाहिए था केतु को। लेकिन इनकी गति वक्र है तो यहाँ स्थिति ये होगी कि वृषभ राशि में जाएंगे राहु और वृश्चिक राशि में आएंगे केतु, अर्थात इनकी जो होती है गति वक्र गति होती है। बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, 18 माह की अवधि में सबसे लंबे समय तक शनिदेव रहते हैं, जो कि ढाई वर्ष के पश्चात एक राशि को छोड़ते हैं। इसलिए सौर मंडल के सबसे दूर रहने वाले ग्रह शनिदेव हैं, उसके बाद राहु और केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो 18 माह तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति जो 13 माह के अंतर्गत अपने राशि परिवर्तन करते हैं, और बाकी सभी जो अन्य ग्रह हैं वह चंद्रमा की बात करें 2 से 2.25 दिन के भीतर, वहीं मंगल की बात करें 45 दिवस के भीतर अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं, जबकि बुध 24 से 28 दिन, सूर्य 1 माह के भीतर। तो ये सब ग्रह हैं एक आध माह के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन राहु और केतु 18 माह के अंदर अपने राशि परिवर्तन करते हैं। और जब भी राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, संपूर्ण जनमानस पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, व्यवसायों पर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले वर्ष मार्च के माह में इन दोनों ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया 2019 में, तो आप सभी को देखने को मिला होगा किस प्रकार से मार्केट में अर्थव्यवस्था व किस प्रकार से शेयर मार्केट में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले, ज़्यादातर उतरती हुई अर्थव्यवस्था नज़र आई आपको। चूँकि मिथुन राशि बुध के द्वारा संचालित होती है, मिथुन राशि व्यापार की राशि है, व्यवसाय की राशि है, वाणिज्य की राशि है, धन संचय की राशि है, बैंकिंग सेक्टर की राशि है, जबकि केतु के द्वारा केतु धनु राशि में था और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो इससे धर्म कर्म इत्यादि के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। और निश्चित रूप से आपको देखने को मिला होगा किस प्रकार से बड़े बड़े फैसले भी 2019 में हुए और कई जगह धर्म विशेष से हानि भी उठानी पड़ी है। तो ये है राहु केतु का राशि परिवर्तन। यह दोनों ग्रह तामसिक ग्रह हैं, वक्र स्थिति में चलते हैं, जातक को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं राहु और केतु। तो 23 सितंबर सन 2020 को यह अपने राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके राहु वृषभ राशि में जाएंगे जबकि केतु वृश्चिक राशि में आएंगे। अब इनका शुभाशुभ फल मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तक बहुत परेशान किया राहु और केतु ने आपको, क्योंकि एक तरफ मिथुन राशिगत ही राहु थे तो दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में सप्तम स्थान पर आपके लिए केतु बने हुए थे धनुराशिस्थ, और इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी, आपको शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से कष्ट दिया। लेकिन अब स्थिति कुछ हद तक आपकी सुधरेगी। राहु आपके लिए द्वादश स्थान में जाएंगे जो कि व्यय भाव है, और केतु आ जाएंगे छठे स्थान में जो कि शत्रु रोग रिपु ऋण इत्यादि का भाव है। राहु का द्वादश स्थान में जाना आपके लिए अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है,
खर्चों के साथ साथ कई बार आपको अचानक से यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के आप यात्राएं करेंगे, कुछ यात्राएं आपके पक्ष में होंगे जबकि कुछ यात्राएं आपको निरर्थक बना देंगे और बिना बात की यात्राएं होंगे, थकावट भरी यात्राएं होंगे। कई जगह आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। चूँकि द्वादश स्थान में है तो यात्राएं भी करवाएगा, खर्च भी करवाएगा, कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों के लिए आपको पहले से सतर्क सावधान रहने पर चाहिए। अपने आय के अनुसार खर्च करना चाहिए और अत्यधिक खर्चों से आपको अभी से बच करके रहना चाहिए। साथ ही शिव पूजन आप अवश्य आरम्भ कर दें मिथुन राशि के जातक, जबकि केतु आपके लिए छठे स्थान में है और यहाँ पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, धन प्राप्ति होगी। जो आपका ऋण यदि कहीं फंस चुका है तो उस ऋण की वापसी हो सकती है और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह आपको मिलेगा और ऋण से भी आपको मुक्ति मिलने जा रही है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष सुधार और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह राहु और केतु का राशि परिवर्तन था। चंद्र कुंडली के माध्यम से ही तैयार किया गया यह राशि परिवर्तन था, तो इसको चंद्र कुंडली के माध्यम से ही देखें। और यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य पूछें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।